So the eighth question was, the number of ways of selecting a team of three boys and two girls. तो इट विल बी थ्री बॉयज को सिलेक्ट करना है फ्रॉम सिक्स बॉय, इट विल बी सिक्स सी थ्री वेज। टू गर्ल्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम फोर गर्ल्स, इट इज फोर सी टू वेज। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कॉम्बिनेशन, तुम्हें बस सेलेक्ट करना है कि किस में से कितने को सिलेक्ट करना है, विच इज एन में से आर को सिलेक्ट करना है, विच इज एन सी आर। सिक्स सी थ्री सॉल्व करेंगे, इट विल बी सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर, थ्री इंटू टू इंटू वन। फिर बस वर्डिंग में लिखना है उसे, फोर को दो बार, फोर इंटू थ्री, टू इंटू वन, थ्री टू जा सिक्स, तो 20, एंड टू टू जा विच इज सिक्स, 20 × 6 120। सो एज आई सेड कॉम्बिनेशन कंप्यूटर थोड़ा इजी है कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, आफ्टर अ मीटिंग एवरी पार्टिसिपेंट शेक्स हैंड विथ एवरी अदर पार्टिसिपेंट। इफ द नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग। तो बेसिकली समझो पार्टी में देर आर फ्यू मेंबर्स, जस्ट मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी डी, एंड टोटल हैंडशेक इज 66। सपोज पर्सन ए, तो उसने हैंड और सबके साथ करना हैंड शेक ना, तो मतलब ए ने फर्स्ट पर्सन के साथ किया फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। सपोज मैंने पांच लोग लिए जिसमें से ए ने बाकी चार के साथ हैंड शेक किया, तो आई एम काउंटिंग ऐसे कितने हो गए, इसके चार हो गए। व्हेन आई विल गो टू द पर्सन बी, तो पर्सन बी भी सबके साथ मिलेगा, बट ऑलरेडी वो ए के साथ मिला चुका है तो वो काउंट नहीं करना। फिर बी को सी के साथ हैंड शेक, डी के साथ और ई के साथ, ऐसे अलग अलग हैंडशेक करने टोटल। एंड टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हैं, 66। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग। इजी है, हैंडशेक करने के लिए याद रखो देर आर टू पर्सन, दैट इज ए और बी का, तो मतलब हैंडशेक करने के लिए मुझे दो लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एनी टू। तो आई विल टेक, लेट देर आर एन मेंबर और एन पर्सन इन द पार्टी, देर आर एन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग एंड टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टिंग टू पर्सन फ्रॉम एन पर्सन। तो मतलब एन पर्सन में से मुझे दो दो को ही सिलेक्ट करना है, तो कितने सिलेक्शन होंगे, एंड दैट सिलेक्शन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ हैंडशेक, क्योंकि मेरे पास एन मेंबर है, एन पार्टिसिपेंट है, और हैंडशेक के लिए मुझे दो दो ही चाहिए। तो मैं फाइंड आउट करूंगा कि एन मेंबर में, एन मेंबर में, इस पूरे एन मेंबर में दो दो के कितने सिलेक्शन हो सकते हैं, तो जितने सिलेक्शन होंगे उतने ही हैंडशेक होंगे। अंडरस्टूड? सो एन सी टू इज द नंबर ऑफ हैंडशेक, विच इज द नंबर ऑफ सिलेक्टिंग टू पर्सन आउट ऑफ एन पर्सन। सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ एन। एन सी टू इट मीन्स एन फैक्टोरियल, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, टू फैक्टोरियल एंड एन माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66। एन और एन माइनस टू छोटा करो, एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल। अपॉन टू विल बी टू इंटू वन एंड दिस इज एन माइनस टू फैक्टोरियल। एन माइनस टू एन माइनस टू विल गेट कैंसल, तो इट इज एन एन माइनस वन अपॉन टू 66। टू विल मल्टीप्लाइड ओवर देयर, 66 इंटू टू 132। सो नाउ अगेन 132 को ऐसे दो कंसेक्यूटिव ब्रेक करूं कि उनका मल्टीप्लीकेशन 132, और दो ही टर्म चाहिए, तो इट इज 12 × 11 होता है। सो एन इंटू एन माइनस वन इट्स 12 × 11। ऑन इक्वेटिंग
एन इज इक्वल टू 12, दैट्स माय आंसर. ठीक है, सो देर आर 12 पर्सन इन द मीटिंग और एवरीबडी शेक हैंड विद ईच अदर. टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66. ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. Draw. If 20 points are marked on a circle, how many chords can be drawn? So this is circle. Us mein 20 marked kiye. Not all 20, but phir bhi few mein mark kar de rahe hain yahan pe. Theek hai. Ab kitne chords draw kar sakte hain? Chords. कॉर्ड्स ड्रॉ करने के लिए कोई भी दो पॉइंट को मिला दो. दिस इज माय कॉर्ड, दिस इज माय कॉर्ड. इवन इस पॉइंट को भी मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा, दिस इज माय कॉर्ड. तो कितने कॉर्ड बन सकते हैं वो निकालना है. सो डेफिनेटली अगर ये निकालना तो ईजी है. 20 पॉइंट है और कोई भी दो पॉइंट को मिलाना है, कोई भी दो, मतलब 20 में से कोई भी दो पॉइंट को मिला दो कॉर्ड बन जाएगा. तो इसका मतलब इसके सिलेक्शन के लिए मेरे पास 20 में से 20 पॉइंट्स को दो दो पॉइंट के कितने सिलेक्शन हो सकते हैं. तो दैट इज 20C2 एंड जितने सिलेक्शन होंगे उतने कॉर्ड ड्रॉ होंगे. तो सिंपल वे 20 पॉइंट्स में से दो दो पॉइंट्स के कितने सिलेक्शन होंगे. सो दिस इज माय नंबर ऑफ कॉर्ड्स और दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ कॉर्ड्स. तो 20C2 सिंप्लीफाई करो. 20 × 19, 2 × 1 which is 190. Then कितने कॉर्ड होंगे? 190. टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड 190, मतलब 20 कॉर्ड, 20 पॉइंट्स ऑन द सर्कल है. अगर मैं दो दो पॉइंट्स को मिला रहा हूं, दो दो पॉइंट्स को, तो आई कैन मेक 190 कॉर्ड. ठीक है. 11th, फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन. पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है. नंबर ऑफ डायगनल कितना है, इसका फॉर्मूला आई एम गिविंग यू नाउ. इन पर्टिकुलर फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल व्हेन, तो यहाँ पे अलग अलग एन दिए हुए. तो 11th में सबसे पहला नंबर ऑफ डायगनल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगनल इन एन साइडेड पॉलीगॉन. इज एन सी टू माइनस एन, ये फॉर्मूला है. इट इज एन सी टू माइनस एन, वेर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइडेड या नंबर ऑफ साइड. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, अगर एन 10 रहा तो कितने डायगनल्स रहेंगे. सो आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट. इफ एन इज 10, इफ एन इज 10, तो नंबर ऑफ डायगनल it will be 10C2 minus 10. 10C2 simplify करेंगे, it is 10 × 9. याद रखो combination में majority sums के solve करने हैं. 10 × 9 upon 2 × 1. तो 2 5s are 5, 9s are 45. 45 minus 10 is 35.
35 इज द आंसर, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास 10 साइडेड पॉलीगॉन है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, वैसे तो मैंने 8 किया बट समझो 10 है, तो अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा ये लाइन, मतलब कोई भी दो दो पॉइंट को मिलाते जाओ, ऐसे, तो ऐसे कितने टोटल 35 डायगोनल दैट आई कैन फॉर्म, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे 10 के लिए सॉल्व किया है, देन 15 एंड 12 इज फॉर होमवर्क फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये फॉर्म याद रखना है फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन के लिए। नेक्स्ट 12th, देर आर 20 स्ट्रेट लाइन सो दैट नो टू लाइन्स आर पैरेलल एंड नो थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इजी क्वेश्चन, देर आर 20 स्ट्रेट लाइन और कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है और कोई भी तीन लाइन कॉन्करेंट नहीं है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर 20 लाइन है एंड आई वांट टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे फर्स्ट लाइन है तो ये लाइन इसको कट की, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए वी नीड टू लाइन, तो दो लाइन का विल गेट अ सिंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इफ वी हैव 20 स्ट्रेट लाइन, ऐसा मतलब मैंने अगर 20 ड्रॉ किया ऐसा रैंडमली, कोई भी पैरेलल नहीं है रैंडमली, तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वो आई वांट टू फाइंड आउट। सो सिंपल है, इफ यू हैव 20 लाइंस बट इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए आई वांट ओनली जस्ट टू लाइन, तो 20 में से दो दो लाइन के कितने सिलेक्शन हो सकते हैं, दो दो लाइन का, सो उतने ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेंगे, इट विल बी 20C2। तो 20 लाइन्स में से दो दो लाइन के कितने सिलेक्शन हो सकते हैं, बिकॉज 20 लाइन है और इंटरसेक्टिंग के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू लाइन ओनली, फॉर गेटिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट आई विल वॉन्ट दैट टू लाइन्स ओनली। तो बेसिकली 20 लाइन्स में से दो दो लाइन के कितने सिलेक्शन हो सकते हैं, तो 20C2 मतलब आउट ऑफ 20 दो दो लाइन के कितने सिलेक्शन हो सकते हैं एंड दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नाउ विल सिंप्लीफाई दिस, 20C2 means it is 20 into 19 upon 2 into 1. Two or you cancel 19 into 10, which is 190. So I'm having 190 intersecting point. I'm having 190 intersecting point. Okay. We have 190%. सो अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन विद स्ट्रेट लाइन है 13। सो यू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, ठीक है,
एंड इन केस अगर डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी. सो प्रैक्टिस स्टिल हियर.